जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इस साल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक 109 आतंकी मारे जा चुके हैं। मार्च में एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद भारत ने हाल ही में ट्राई सर्विस डिफेंस एजेंसी की शुरुआत की है। भारत की योजना है कि अगले महीने अंतरिक्ष में पहला युद्ध अभ्यास किया जाए। इससे पहले मिशन शक्ति के जरिए भारत ने चीन को टक्कर दी थी और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत किया था। नई योजना का नाम इंड स्पेस एक्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ साथ आंतरिक पक्षकारों से बातचीत की वकालत की है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नई सरकार जम्मू कश्मीर में शांति के लिए मिले भारी जनमत का उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भारत व पाकिस्तान के बीच बातचीत राज्य के लोगों को तनाव तथा असुरक्षा की भावना से मुक्त होकर जिंदगी बिताने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज केरल के त्रिशूर जिले में स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। वो वहां पारंपरिक वेशभूषा मुंडू पहने हुए नजर आए। मंदिर के गर्भगृह के बाद उन्होंने कमल के फूलों से तुला दान किया। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि देश में साल 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। उन्होंने त्रिपुरा के अगरतला में कहा कि देश में अगर किसी पार्टी ने लगातार सबसे लंबे समय तक शासन किया है तो वो कांग्रेस है। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारतीय सेना अकादमी IMA के पास आउट होकर 459 कैडेट्स आज विभिन्न सेनाओं के अफसर बन गए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। इस गीत पर चेटवुड बिल्डिंग के सामने ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर सेना में अफसर बन गए। आज 382 जांबाज अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए, जबकि मित्र राष्ट्रों के 77 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। सीमा पार आतंक पर लगाम कसे जाने से पहले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करने की भारतीय नीति काम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को चुनावी जीत हासिल करने के बाद दो बार पाकिस्तानी आग्रह को ठुकरा चुके हैं। वहीं भारत ने फिर कहा है कि आतंक के खात्मे से पहले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। केरल का रहने वाला 25 साल का युवक जो इस्लामिक स्टेट के लिए सीरिया में लड़ रहा है, उसने वापस आने की इच्छा जताई है। उसने अपने परिवार को फोन पर बताया कि सीरिया में मौजूद IS के सदस्य बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और वो खाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार कुन्नूर जिले के कई युवा इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने सीरिया गए थे और अब ये युवा भूखमरी और दरबदरी का शिकार है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पेटा में रोड शो के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज में जहर घोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मोदी देश को बांटने के लिए नफरत का जहर फैलाते हैं और चुनाव जीतने के लिए झूठ का प्रयोग करते हैं।